राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का। नरक चतुर्दशी पर भगवान हनुमान, माता काली और यमराज की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी पर सुबह अभ्यंग स्नान भी किया जाता है और शाम के समय यम के नाम का दीपदान किया जाता है। जय माता की, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट पे जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं और लिखिएगा अवश्य। तो आज हम बात करने वाले हैं नरक चतुर्दशी के विषय में। आज 11 नवम्बर है और दिन है शनिवार का। बहुत अच्छे दिन पर सारे त्यौहार वर्ष 2023 में पड़ रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है शनिवार का और आज है नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी के विषय में और इस दिन हमें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, इस दिन पूजन का समय क्या रहेगा और किस प्रकार का दीप प्रज्वलित करना होता है, बहुत सारी बातें, आज के दिन का महत्व क्या है, आज के दिन को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चौदस मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस दिन छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस था नरकासुर, उसका वध किया था, इसीलिए आज के दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर को साफ स्वच्छ करना होता है, धुलाई करनी होती है, घर के अंदर का एक एक कचरा निकालना होता है। वैसे तो दीपावली के पहले से ही सफाई वगैरह शुरू हो जाती है, किंतु नरक चौदस के दिन कहा जाता है कि घर का जितना भी नरक होता है, मतलब कहने का मतलब है जो गंदगी होती है वो हटाई जाती है, कटे फटे कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, इस तरह की सारी चीज़ें हटाई जाती हैं और अपने मन को भी साथ में साफ और स्वच्छ रखा जाता है। और सभी लोगों को सिर से लेकर पाँव तक स्नान करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी को स्नान करना चाहिए और हेयर वॉश करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और यदि कर सकते हैं तो उससे पहले उबटन अवश्य लगाएं। उबटन लगाने का भी बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान भी करना चाहिए। साथ ही नरक चतुर्दशी की शाम में यम के नाम का दीप जलाने की भी परंपरा है। अब बात करते हैं कि स्नान करने का मुहूर्त क्या रहेगा और दीप जलाने का मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, इस बार ज़्यादातर जो भी तिथियां हमें मिल रही, दो दिन की मिल रही हैं, जैसे धनतेरस का जो त्यौहार है वो धन त्रयोदशी कल प्रारंभ हुआ था। धन त्रयोदशी की तिथि दोपहर में 12:35 से और वो आज दोपहर तक हमको मिल रही है। अब आज 11 बजे के बाद से नरक चौदस की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि कल 12 नवंबर की सुबह तक रहने वाली है। तो 12 नवंबर को ही इसलिए अभ्यंग स्नान किया जाएगा। अभ्यंग स्नान करने का जो मुहूर्त है वो है 5:28 से 6:41 का। तो आप अच्छे से उबटन आदि लगाकर, चंदन का उबटन बनाएं, हल्दी का उबटन बनाएं, बेसन का उबटन बनाएं, उबटन आदि लगाकर अच्छे से स्नान करें। कहते हैं रूप सौंदर्य में निखार आता है और काया निरोगी बनती है। मान्यता है इस दिन इस विशेष स्नान को करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही शाम के समय हमें यम दीपक लगाना होता है। 11 नवंबर को यम दीपक जलाने का जो समय है वो रहेगा 5:32 से 6:51 तक। ध्यान से सुनिएगा, यम दीप जलाने का जो समय है वो 5:32 से 6:51 तक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें पूजा करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। नरक चतुर्दशी के दिन हो या फिर कोई भी त्यौहार का दिन हो, हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद हमें शुभ मुहूर्त में श्री काली माता, श्री कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के 52 रूप की पूजा करनी चाहिए। सभी की पंचोपचार विधि से पूजा करके धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मंत्रों का जाप करें।
अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। तो नरक चतुर्दशी के दिन यानी आज के दिन 11 नवंबर के दिन दक्षिण दिशा में जो समय हमने बताया उस शुभ मुहूर्त में यम के निमित्त एक दिया अवश्य प्रज्वलित करें। ये दिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए अब हम सभी लोग बात करते हैं पंच दिवसीय दीप की, किंतु जो ये नरक चतुर्दशी वाला जो दिया है ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। किस प्रकार से इस दिए को जलाना है अब हम इस विषय में बात करेंगे। इस दिए का बहुत अधिक महत्व होता है, इससे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। जिन घरों में बीमारियां तकलीफ़ें लगी रहती हों, जिन घरों में अकस्मात मतलब अकाल मृत्यु हो जाती है, अल्पायु होते हैं बच्चे हों या फिर थोड़े बड़े होने पर जिनकी अल्पायु होती है, इस तरीके के जो संकट होते हैं ना, उसी संकट से बचने के लिए यम के निमित्त दिया प्रज्वलित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो देखिए जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उसमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यम के निमित्त दीप लगाया जाता है। दक्षिण दिशा यम को समर्पित होती है और दक्षिण दिशा में आप जब अपने घर के द्वार पर जाएंगे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे तो जो आपके हाथ के बाईं ओर वाला जो स्थान है, जो आपके हाथ के बाईं ओर की जगह, आपको वहाँ पर दीप लगाना है यम के निमित्त, और दीप का आपको पूजन करना है। दीप की पूरी विधि मैं दे चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक काम और करना है, एक दिया आप जो भी कूड़ा और कचरा रखने की जगह है, जो डस्टबिन हो आपका या जहाँ पर आप कचरा डालते हो, एक दिया आपको वहाँ भी प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों के तेल का दिया। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से पूजा करनी है नरक चतुर्दशी के दिन। और इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बताती हूँ, जो पुराने गणेश लक्ष्मी जी हैं उनको आप विराजित कीजिए चौकी पर, उनका पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए और उनके आगे 14 दीप प्रज्वलित करने हैं आपको। 14 दीप से माता लक्ष्मी, गणेश जी, लक्ष्मी नारायण भगवान की, कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की, माता काली की आरती कीजिए। आज के दिन कहीं कहीं हनुमान जयंती का त्यौहार भी मनाया जाता है। ये किस प्रकार की हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, यदि आपको ऐसी कोई जिज्ञासा है जानने की तो, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। आज के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उनको चोला चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं और हनुमान जी के नाम पर कीर्तन भी किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने का, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने का आज विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आप चाहें तो सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं हनुमान जी का या फिर माता काली का या कृष्ण भगवान के नाम का या सभी के एक एक दो दो मंत्र उच्चारण करके आप सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस प्रकार से आपको आज छोटी दिवाली का पूजन करना है और कीजिएगा ज़रूर। बहुत शुभ दिन है और बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। आज के दिन हनुमान जी का जन्म भी मनाया जाता है। वैसे तो देखिए चैत्र में जो पूर्णिमा आती है तब होता है हनुमान जी का जन्मोत्सव, किंतु आज की भी एक कथा है कि आज के दिन किस प्रकार से उनका जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है, वो अगर आप कहेंगे तो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ही बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा भी अगर आपके लिए हमारा वीडियो लाभदायक हो तो कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी अवश्य लिखिएगा। ऐसी ही एक अच्छी जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे।